नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज। और मेरा नाम है भूपेंद्र। और दोस्तों, हम एक और कंपैरिजन वीडियो के साथ आ गए हैं। कंपैरिजन जो है वो ज़्यादा आप नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे विनय जो है वो डिफेंड करेगा आज टाटा पंच को। और बहुत खुश है टाटा के साथ, बहुत ज़्यादा खुश है। आप देख ही सकते हो भाई, टाटा पंच को डिफेंड कर रहा है वो। और मेरे पास है आज सिट्रोएन C3। तो आज इन दोनों का हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो सकती है। क्योंकि सिट्रोएन जो है वो अभी लेटेस्ट जो है वो इंडिया के अंदर आया था और बहुत अच्छा रिस्पांस कस्टमर्स की तरफ से यहाँ पे मिला। क्योंकि एक आदत अपने इंडिया में ज़रूर है लोगों की कि कोई भी नई चीज़ आती है तो एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं, है ना। वो एक अलग ही मतलब तबका है बायर्स का जो एक बार ट्राई जरूर करना चाहते हैं एक नए प्रोडक्ट को। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करें, सबसे पहले वेरिएंट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पंच की बात करूँ तो पंच के अंदर टोटल आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं। प्योर, जो स्टार्टिंग, देन एडवेंचर, ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, उसके बाद आ जाएगा एकम्प्लिश्ड और टॉप वेरिएंट है क्रिएटिव। और इन 4 वेरिएंट के साथ आपको 4 कस्टम पैक्स भी मिलते हैं जिनके अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। और कलर ऑप्शन की बात करूँ तो इस वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन मिलेंगे। उसके अलावा एक कैमो एडिशन भी आता है स्पेशल, जो ग्रीन कलर की गाड़ी आपको मिलेगी, रूफ उसमें वाइट और ब्लैक आप ले सकते हो। ये था पंच के वेरिएंट और कलर्स। अब सिट्रोएन C3 के वेरिएंट्स में बता देता हूँ, सिर्फ 2 ही आपको यहाँ पे वेरिएंट्स मिलते हैं और वो है लाइव और फील। तो ये जो वेरिएंट है ये फील वेरिएंट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कलर ऑप्शन, कस्टमाइजेशन ऑप्शन भरपूर है भाई। यहाँ पे 4 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे, 2 रूफ के कलर आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो, 2 इंटीरियर के ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके अलावा 56 कस्टमाइज आपको ऑप्शन मिलते हैं इस एक गाड़ी के अंदर। तो भाई पूरा लग्जरी का फील आने वाला है। कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सुन रहे हो? और यहाँ हम दोनों के ही पैसे नहीं लगे, लेकिन जोर जो है दोनों का बराबर लगेगा। तो आप स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इसका एडवेंचर वेरिएंट है और इसका जो प्राइस है 6,85,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। हाँ, और ये जो है मेरे पास अभी फील वेरिएंट है, इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो 6,90,000 रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पे अभी ये जो गाड़ी देख रहे हो आप, ये रूफ आपको ऑरेंज दिख रही होगी, थोड़ा सा इसमें जो है कस्टमाइजेशन का जो है थोड़ा यूज़ किया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है इसमें 15,000 + 15,000 30,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ के 7,20,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। बट बेस अगर नॉर्मल आप अगर इस गाड़ी को लेंगे बिना कस्टमाइजेशन के तो वो 6,90,000 रुपये का ही पड़ेगा। तो लगभग 5,000 रुपये का यहाँ पे एक शोरूम का डिफरेंस आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोनों ही सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, माइक्रो SUV आप बोल लीजिए, ठीक है। तो उस तरह का सेगमेंट है कुछ कि जो जिनके पास पैसा है हैचबैक वाला, लेकिन वो फील लेना चाहते हैं एक SUV वाली, तो उनके लिए है ये गाड़ियाँ हैं। और सिट्रोएन ने भी C3 को लॉन्च किया था इस सेगमेंट में, क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है हमारे इंडिया में। और इसीलिए हम इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन लेके आए हैं, क्योंकि प्राइस दोनों का सेम है और कुछ एक यहाँ अच्छा है कुछ एक वहाँ अच्छा है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो भूपेंद्र भाई, सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो पंच की बात करूँ तो पंच की सामने से आप विड्थ देख सकते हैं। विड्थ इसकी 1742 mm है। और एक जो इसकी हाइट जब आप देखेंगे ना, इसके इंजन हुड की हाइट जो एक SUV वाली फील चाहिए बंदे को, वो यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि इसकी हुड की हाइट जो है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। यहाँ पे जो विड्थ है वो पंच से थोड़ा कम है, 1733 mm जो है यहाँ पे विड्थ आपको मिलती है। और जैसा कि विनय ने बताया कि हाइट है, तो अभी मैं बीच में खड़ा हूँ यहाँ दोनों के। हाँ, यहाँ पीछे की तरफ से तो हाइट आपको लगभग सेम मिलेगी, बट ये आगे की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ आ जाती है। थोड़ा सा मतलब आपको ये बोल सकते हो कि एरोडायनामिक शेप जो है ज़्यादा इसकी आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे से बोनेट जो है वो उठा हुआ है, तो कुछ तो मतलब इफेक्ट इस चीज़ का पड़ेगा ही। उसके लिए प्रॉपर ना कर्व्स दी हुई है, जो दिक्कत ही नहीं आने वाली यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ पे सामने ये आपको ग्रिल मिलेगी जो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है, ट्राई एरो का पैटर्न यहाँ पे। और ये आपको यहाँ पे फील देगा एक LED DRL की, लेकिन इस वेरिएंट के अंदर आपको रेगुलर बल्ब्स यहाँ पे मिलते हैं, इंडिकेटर्स, और यहाँ पे ये बल्ब्स मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे हलोजन हेडलैम्प की एक यूनिट, और एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ से एयर सर्कुलेशन होगा जिसकी वजह से एरोडायनामिक्स गाड़ी के ना बढ़िया हो जाएंगे। अब यहाँ से ये वाला जो फ्रंट पार्ट भी आप देखोगे ना, तो काफ़ी वाइड है, यहाँ पे भी आपको ट्राई एरो पैटर्न का यूजेस दिखाई देगा। इसके अंदर फोग लैंप्स अभी नहीं है, लेकिन एसेसरीज में आप इंस्टॉल करा सकते हैं। सो अब यहीं से जो 5,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, तो वहाँ यहाँ से ही थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको LED DRLs जो है वो मिल जाएंगी, हालांकि यहाँ पे हेलोजन जो है वो
आपको हेडलैम्प हैलोजन ही मिलेंगे, और नीचे जो फॉग लैम्प देख रहे हैं ये आपको जो है एक पैक का ही पार्ट है। तो जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया ना कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में 690 से एक्स्ट्रा कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा रूम पे करने पड़ सकते हैं, तो वो ये उनका पार्ट है। तो वैसे नॉर्मल अगर आप लेंगे 690 वाली गाड़ी तो वहाँ पे फॉग लैम्प आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो सामने की ग्रिल है यहाँ पे पूरा, यहाँ पे सिट्रोइन का जो लोगो है उसको यहाँ से यहाँ तक रखा गया है, और क्रोम का यूज़ यहाँ किया गया है। नीचे की तरफ जो आपको एयर डैम्स वगैरह है वो ड्यूल यहाँ पे ग्रिल मिल रही है, तो यहाँ पे आराम से आप एयर की सर्कुलेशन जो है वो हो जाएगी। तो फ्रंट जो है वो कुछ इस तरह का है इस सिट्रोइन C3 का। अब एक बार गाड़ियों का ना दोनों को साइड से देख लेते हैं कि साइड से देखने में गाड़ी किस तरह की लगती है। सो भाई अब साइड में आ गए हैं, और साइड से देखने में सबसे पहले लेंथ की बात कर लेते हैं, तो अपनी लेंथ बता दे भाई फटाफट। 3827 mm गाड़ी की लेंथ है, 3827 mm, और भाई इसकी 3981 mm जो है इसकी लेंथ है, तो उससे लेंथ में ये कहीं ज़्यादा लंबी है गाड़ी। तो लगभग लेकिन हाइट जब आप देखोगे ना तो हाइट वाइज ये गाड़ी ज़्यादा है। इसकी जो हाइट है 1615 mm इसकी हाइट है। हाँ, और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे 1585 mm जो है हाइट है। अगर रूफ रेल के साथ लगाएंगे तो फिर 1604 है, या विदाउट रूफ रेल्स, रूफ रेल्स ही नहीं है। तो उसके साथ ही जो हाइट आप देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है कि हाइट वाइज ये गाड़ी की ज़्यादा है। फिर उसके बाद जब साइड में आप देखते हो तो टायर प्रोफाइल यहाँ पे 15 इंचेस मिल जाएगा, 185/17। व्हील कवर्स जो है वो बिल्कुल ब्लैक यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे ग्रे कलर के व्हील कवर है, लेकिन टायर साइज रिम का जो साइज है वो सेम है 15 इंचेस, बट टायर जो है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा साइज का मिलने वाला है, 195/65 यहाँ पे टायर की विड्थ वगैरह रखी गई है, तो ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, तो चलने में थोड़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा ना, बेहतर रहेगा। उसके अलावा जब आप यहाँ देखोगे ORVMs, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आपको मिल रहे हैं, और साथ में LED ब्लिंकर्स भी आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे सिट्रोइन ने जो है थोड़ा सा अपनी कॉस्ट को काबू में रखने के लिए ना ही तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिरर्स दिए हैं, तो ये नोब से ही एडजस्ट होंगे। साथ ही जो ब्लिंकर्स हैं उसके यहाँ पे फेंडर के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है ब्लिंकर्स कोई भी। और हैंडल्स जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको इस तरह के हैंडल्स मिलते हैं, उधर आपको वो ओल्ड स्कूल हैं थोड़े हैंडल्स यहाँ पे अभी भी, और हैंडल्स का जो साइज़ है ना वो भी कोई इतना खास नहीं है, तो हैंडल्स जो है लेकिन बॉडी कलर हैंडल्स वहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ भी आपको मिल रहे हैं। अब साइड की स्कर्टिंग्स जब देखेंगे ना आप, तो ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये लग रहा है ये स्कर्टिंग्स वगैरह, ये एक्सेसरीज का पार्ट लेकिन है। लेकिन ये एक्सेसरीज का पार्ट है, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना कि एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कुछ 15,000 rupees, तो ये वो उसका पार्ट है। लेकिन वहाँ जो मिल रही है स्कर्टिंग्स, ये एज इट इज़ कंपनी फिटमेंट है, जो एक शोरूम प्राइस है उसी के अंदर सब इंक्लूडेड है। और ग्राउंड क्लियरेंस जब यहाँ देखोगे तो 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ की कहीं मेंशन नहीं थी, हमने देख काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, बट देखने में लगभग सेम ही लग रही है साइड से। वैसे साइड का कोई ग्राउंड क्लियरेंस को लेना देना नहीं है, साइड से सेम लग रही है, अंदर से अभी पता नहीं है, तो उसकी 187 mm है, इसकी अभी पता नहीं है हमें। रेस्ट एक चीज़ जो है कि दोनों के जब आप ग्लासेस के साइज देखते हो ना, तो ग्लासेस के साइज़ अच्छे खासे रखे गए हैं, तो दोनों गाड़ियों में अंदर जो आपको लाइट मिलने वाली है वो काफ़ी अच्छी खासी मिलने काफी वाली सही है। तो ना वहाँ दिक्कत होगी ना यहाँ पे दिक्कत होगी। फिर एक चीज़ और जब साइड में आप देखोगे तो इसकी जो डोर्स की ओपनिंग है वो 90 degrees पे डोर ओपन होते हैं, तो आप आराम से अंदर जा सकते हो और आराम से बाहर की तरफ आ सकते हो। ये फीचर है क्या, वैल्यू ऐड करते हैं ये वैल्यू ऐड करते हैं, आप अंदर आराम से बैठो। मैं सोचता हूँ कि इसमें भी आराम से बैठ सकते हैं यार, लेकिन वो पूरा 90 degree नहीं है, 80 degree है ये ना। हाँ, अब क्या करें, एक्स्ट्रा ही है, मतलब ना 5,000 कम ले रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं देखो हम ना, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी मिल रही है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे मिलता है 37 liters का, और यहाँ पे मिलेगा 30 liters का। अब यहाँ मेरे को भी थोड़ा वो है कि यार 30 liters का फ्यूल टैंक काफ़ी कम है। विश्वास होगा कि माइलेज ज़्यादा देती होगी गाड़ी। माइलेज की बात कर लेते हैं फिर, करने वो अभी इंजन की करेंगे ना, पहले इंटीरियर्स की बात करेंगे, क्योंकि इंटीरियर्स में ना बड़ी सारी चीज़ें हैं, और उससे पहले रियर में चलेंगे। लेकिन पहले एक बार चाबियाँ आप देख लीजिए कि किस तरह की की आपको मिलती है। पहले टाटा मोटर्स वाली की देख लो आप, ये मिलेगी यहाँ पे, एक आपको फ्लिप और फोल्ड की मिलेगी, और दूसरी आपको ये मिलेगी रेगुलर, यहाँ पे लॉक अनलॉक और फॉलो मी लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं। मैं नहीं दिखाता ये है भाई इसकी की, तो लॉक और अनलॉक का सिर्फ बटन मिलेगा, और ये एक नॉर्मल सी सिंपल सी की आपको यहाँ पे मिलती तो है। की पे भी मतलब एक फीचर एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो देख लो मतलब हर जगह फीचर एक्स्ट्रा है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी को रियर से। सो जब गारों को रियर से आप देखते हैं तो रियर से लगभग सेम आपको दिखाई देंगी, सिर्फ जो हाइट है
जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रेस्ट आपको यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप और इस वेरिएंट में वाइपर वॉशर डिफोगर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे पंच की बैजिंग और दो सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। टेल लाइट्स, रेगुलर बल्ब्स का आपको यहाँ पे यूजेस दिखाई देगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो मैंने जैकेट उतार दी क्योंकि हॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ ना मैं, थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई इस प्रोडक्ट के पास। तो यहाँ पे भाई इस वेरिएंट के अंदर भी कोई डिफोगर वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ भी मिल रहा है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ पीछे की तरफ सिट्रोएन और C3 का बैज है, सिट्रोएन का लोगो है। टेल लैंप्स जो हैं दोनों में ही नॉर्मल जो है आपको हेलोजन टेल लैंप्स मतलब बल्ब लगे हुए हैं, अंदर दूर से ही दिखते हैं कुछ ऐसा है। और लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो टेल लैंप्स का साइज़ है थोड़ा सा बल्की सा रखा हुआ है, बड़ा है थोड़ा। एक चीज़ आपको पंच के साथ ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आपको चाहिए कि वाइपर वॉशर डिफोगर, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, तो आपके पास और भी फैसिलिटीज़ है कि ये ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो अपर वेरिएंट में एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करके आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो टॉप ही वेरिएंट है तो वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप रियर वाइपर वॉशर डिफोगर इस तरह का ऑप्शन आपको कुछ ऑप्ट कर सको। सो अब बूट चेक कर लेते हैं कि बूट स्पेस कितना मिलता है। तो ओपनिंग यहाँ पे आपको ये मैग्नेटिक बटन है और यहाँ भी मैग्नेटिक बटन है, बधाई हो आपको। बाकी ओपनिंग लगभग सेम है, ऊपर ही उठा रहे हो, सेम है यार। बाकी इसकी ज्यादा है, हल्का सा फर्क है। एक चीज है वहाँ, हाँ बताओ, वो लाइट्स जो है वहाँ पे दी हुई है, इसमें लाइट्स यहाँ पे है नीचे। ओके, तो ये मतलब साथ में ऊपर चली जाती है लाइट्स, वहाँ पे चली जाती है, बिल्ट इन है। और यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है ग्रैब, हाँ जी, ये यहाँ से पकड़ लेना, ऐसे यहाँ नहीं है भाई, यहाँ क्लोज करने के लिए ना ऊपर से ही क्लोज करनी पड़ेगी। अगर किसी की हाइट कम हो, जैसे अभी हमारा कैमरामैन है, ये ऊपर ना पहुँच पाए तो फिर दिक्कत है ना। तो फिर उसके लिए ना हैंडल दिया हुआ है, तो यहाँ से आराम से क्लोज कर पाएगा। बूट स्पेस जो है यहाँ पे मिलता है 319 लीटर का, यहाँ 315 लीटर का है, तो बूट स्पेस जो लगभग सेम है। चलो सेम, और यहाँ जो टायर का साइज है वो 14 इंच का है, जो स्पेयर व्हील है ना वो 14 इंच है। अच्छा जी, तेरे पास यहाँ 15 इंच है, तो भाई एक्स्ट्रा ही है। देखो एक बार दोबारा तसल्ली एक बार कर रहे हैं, जीत गया हम तो। यहाँ सेम प्रोफाइल है जो आपने 185 बाहर देखा था, वो सेम अंदर की तरफ दिया हुआ है, तो क्यों बोल रहा मैंने, अच्छा खासे आगे जा रहे थे। बाकी सीट्स को फोल्ड करना चाहो तो 100% फोल्डेबल है, आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हो। 100% फोल्डेबल है ये भी पूरी, है सही में, चलो 100% फोल्डेबल है। बाकी लोड लिप इसकी बराबर है, और लोड लिप इसकी देखोगे तो सेम है, मतलब सेम है, तो आप लगेज आराम से रख पाओगे और निकाल पाओगे, वो दोनों जगह बिल्कुल सेम रखा गया है। अब चलते हैं इसकी रियर सीट चेक कर लेते हैं, रियर सीटिंग कम्फर्ट किस तरह का मिलेगा। सो यहाँ पे जो रियर डोर का हैंडल है वो सी पिलर पे माउंटेड है, यहाँ से ओपन करोगे 90 डिग्री, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। सीट्स जो हैं वो फैब्रिक की मिलती हैं यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। अब एक बार अंदर का कंफर्ट देख लो, सामने वाली जो सीट्स हैं वो मेरे हिसाब से एडजस्ट है। अगर मैं सामने की तरफ बैठता हूँ तो उसके बाद ये कुछ स्पेस यहाँ पे मिलेगा। थाई स्पोर्ट आप देख लो, इस तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ तो थाई स्पोर्ट प्रॉपर मिल रहा है, यहाँ तक आपको ये थाई स्पोर्ट मिल रहा है। लेग रूम अच्छा खासा मिल रहा है क्योंकि जो व्हील बेस है 2445 mm यहाँ पे व्हील बेस है, तो लगभग इतना लेग रूम आपको यहाँ पे मिल रहा है अगर मैं नॉर्मल बैठा हूँ। रिक्लाइन एंगल भी ठीक है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाइट बता दूँ मैं, बड़े उसमें बता दिया, बड़े बंदे बोलते हैं यार हाइट क्यों बताते हो, 5'11" मेरी हाइट है, 5'11", ठीक है। और रियर में कोई भी मतलब AC वेंट्स या इस तरह का ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई चार्जिंग के लिए कोई स्लॉट है, सिर्फ यहाँ पे एक दिया हुआ है, मोबाइल रखना चाहो तो यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं, ये एक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये जो सेंट्रल इसका ये हम्प है, इसकी हाइट भी यहाँ पे लो रखी गई है। तो ये था कुछ यहाँ की कहानी। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्ट दोनों ही फिक्स हैं यहाँ पे, आप उनको एडजस्ट नहीं कर सकते। अब चलते हैं C3 की रियर सीट पे और वहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह का कंफर्ट आपको मिलता है। सो ये C3 इधर की तरफ खड़ी है, इसके जो हैंडल्स हैं वो आप जानते ही हो, ये पुराने हिसाब वाले, तो ऐसे ओपन किया। उसके बाद अंदर जब देखते हो आप सीट्स, तो लग रही है भाई कुछ है, कुछ सिस्टम। सो सीट्स इसकी भी कंफर्टेबल है, 95 mm। अच्छा जी, 95 mm इसका व्हील बेस जो है, 95 mm ज़्यादा है। भूपिंदर भाई पीछे से ही बोल रहे हैं भाई, कभी कमी रह जाए कहीं पे। तो इसमें क्या है, सीट आप देखोगे ना उसमें बिल्कुल एक ही जैसी थी, यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, लेकिन
आप देख लो कि थाई स्पोर्ट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, ऐसा ही वहाँ पे था, सेम यहाँ पे है। और लेग रूम भी जो है जैसा वहाँ मिल रहा था सेम लेग रूम है, अंदर की तरफ कुछ वो तो ज़्यादा है व्हील बेस, लेकिन ऐसा कुछ अंदर फील नहीं हो रहा है। या सही बोल रहा हूँ भूपेंद्र भाई? हाँ सही है, बट कहीं तो ज़्यादा हो गई। हाँ मतलब कुछ वो क्या होता है कि कई गाड़ियों में व्हील बेस कम होने के बाद भी अंदर इस तरह से पैकेजिंग की जाती है कि अंदर स्पेस ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा होने के बावजूद भी बिल्कुल सेम मिल रहा है, कोई ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है, सेम इतना ही वहाँ था इतना ही यहाँ पे है। हाइट वगैरह ऊपर की तरफ स्पेस ठीक मिल रहा है। और रियर में यहाँ पे क्या है ना, एसी वेंट यहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ दो यूएसबी ए टाइप चार्जिंग के लिए मिल रहा है, मतलब दोनों बंदे पीछे जो बैठे हैं वो खुश रहेंगे, चार्ज कर रहेंगे और खुश रहेंगे। यहाँ पे बोतल होल्डर है। एक जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये है कि पावर विंडो के कंट्रोल ना यहाँ इस कंसोल पे दिए होंगे, इस रियर सेंट्रल में आपको जो इसके विंडोज़ है ना विंडोज़ पे नहीं मिलेगा यहाँ पे। और एक और इसकी जो सेंट्रल हम्प की हाइट है ना ये ज़्यादा है। और एक और चीज़ जो मुझे फील हुई, अगर मैं जैसे अभी यहाँ से बैठा हूँ ना, अगर उधर की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा ये पैर इसके अंदर लगेगा, तो मुझे ऊपर से ऐसे उठा के जाना पड़ेगा, जो उसमें दिक्कत नहीं थी, ये उसमें ऐसे ही जा रहा था, ये यहाँ पे दिक्कत है। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं ना, वैसे आ रहे हैं उधर से तो उतर जाएंगे। और एक चीज़ है कि ये इतना बड़ा वो तो बना दिया, यहाँ पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ क्यों नहीं दिया? या तो इसको बिल्कुल पतला कर देते अंदर स्पेस ज़्यादा, कंपनी का सोच ऐसी थी क्या? चलो अब क्या ही बोलूँ मैं सोच के ऊपर किसी की। ठीक है, फिर जब यहाँ जाओगे तो यहाँ आपको ये दे दिया स्लॉट ना, उसके बाद अंदर की तरफ नो डाउट ये चीज़ ना देख के ऐसे लग रही है जैसे सीट बड़ी चौड़ी सी है ये, जैसे इसको एक्सटेंड किया हुआ है, पर अभी वहाँ भी देखेंगे क्योंकि पीछे तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, वो बस उसी को एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे भी थाई स्पोर्ट नो डाउट अच्छा है, उसका भी अभी चेक करेंगे कि किस तरह का है। आपको ये मिल रहा है सिक्स वे एडजस्टेबल है, मैनुअली हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन और आप इसको स्लाइड कर सकते हो। इधर की तरफ कुछ एक कंट्रोल्स मिल जाएंगे पावर विंडो लॉक के, और ये आपको जो फोग लैंप्स हैं उनके कंट्रोल्स, और नीचे की तरफ ये लाइट के कंट्रोल आपको मिलेंगे। स्टेयरिंग जब आप देखते हो तो डी कट स्टेयरिंग मिलेगा, टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो मिलेंगे ये कंट्रोल्स मिल जाएंगे अपना मल्टीमीडिया के। अब एक बार इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ, चाबी दिखाओ भूपेंद्र भाई, उनका चाबी दियो, हमारा कैमरामैन चाबी लेके चला गया यार। पंकज जी चाबी दो, आप कहाँ जा रहे हो आप? पंकज जी की हाइट तो दिखा देंगे, पंकज जी की हाइट भी अभी दिखा देंगे। तो एक चीज और है यहाँ पे, जब आप देखोगे ना तो यार ये सामने जो है ना, अब समझ नहीं पा रहा मैं ये कैसा है, आप लोग ही बता दो ये कैसा लगा आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वैसे ठीक लगता है, मतलब क्यूट सा है, छोटा सा, बट हाँ छोटा है ये तो बात है, छोटा है। भाई पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा, भूपेंद्र भाई को अच्छा लग रहा है क्योंकि वो इसकी तरफ है ना। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा ये, एक तो बड़ा ना छोटा सा लग रहा है, जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर पहली बार बैठा था ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। ये डिजिटल है ये, नो डाउट कि स्पीड आपको डिजिटल दिखाता है, नीचे की तरफ फ्यूल गेज और उधर की तरफ इंजन टेम्परेचर गेज, और ये आपको सारी जो भी लाइट्स वगैरह हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो ये कर देता है। तो कुछ ये था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब एक बार इंटीरियर्स आप और देख लीजिए इसके, सो जब इंटीरियर्स आप देखोगे ना तो नो डाउट अच्छे आपको लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूज़िक सिस्टम है ना उसका साइज़ आपको अच्छा खासा मिल जाता है, फ्लोटिंग आपको ये एक तरह से यहाँ पे मिला हुआ है, और इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो ये सब आपको ऑफर किया गया है। साउंड जो इसका साउंड चेक है वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये एसी वेंट्स हैं और यहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे एसी के नोब्स, और तेज़ बनने की कोशिश में ये वाला देखोगे ना आप ऐसे इसको नीचे की तरफ दिया हुआ है, वैसे कंसेप्ट अच्छा है पर कहीं ना कहीं ये जैसे जो अलग से इसकी फिटमेंट है ना, किसी को अच्छी लगेगी किसी को अच्छी नहीं लगेगी, तो ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे कुछ स्पेस है मोबाइल वगैरह रखना चाहो तो अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, एक यूएसबी ए और इधर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, तो ये एक अच्छी चीज़ है। नीचे की तरफ आपको कुछ एक स्पेस और है, दो कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, और इसके अंदर आपको सिर्फ मैनुअली मिलता है, AMT का ऑप्शन आपको पंच में मिलेगा जो यहाँ पे मिस है। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, लेकिन अगर आप टर्बो इंजन लोगे तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। ओके जी, और ये आपको हैंड ब्रेक यहाँ पे दी हुई है। अब जब इस पार्ट को आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक तो ये थोड़ा ऑरेंज शेड मिल जाएगा, कुछ एक स्पेस यहाँ दिया गया है, हालांकि इसको यूज़ नहीं कर पाओगे आप क्योंकि यहाँ अगर हाँ ये सिर्फ लग रहा है, पर आप इसको
यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि मोबाइल पूरा नहीं आ रहा है, या तो आपको वो नोकिया वाला लेना पड़ेगा जो पूरा आ जाए यहाँ पर ये आ नहीं रहा है यहाँ पे। ये जो कलर है ना ये भी आप ऑप्ट कर सकते हो ग्रे और ऑरेंज के बीच में। अच्छा, इसको जैसे बाहर जो शेड है उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जो सिल्वर सा जो शेड है। ओके, ग्लो बॉक्स का स्पेस आप देख लो, ये तो कवर ही खुला बस, तो अंदर स्पेस अंदर मिलता है भाई, बड़ी दूर तक है, बड़ा अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ अंदर की बात थी। अब यहाँ पे देखोगे तो इधर की तरफ वैनिटी मिरर और इधर की तरफ कुछ नहीं मिलेगा। और एक और बात है कि यहाँ पे जो IRVM है ना ये भी नॉर्मल है, मैनुअल डे नाइट का ऑप्शन भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये थी सिट्रोएन C3 के इंटीरियर्स की बात। अब एक बार ले चलता हूँ मैं आपको पंच में। सो पंच का जब डोर आप ओपन करते हो तो फिर से बता रहा हूँ 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये पार विंडो के चार कंट्रोल यहाँ मिलते हैं, वहाँ मैं दिखाना भूल गया, वहाँ सिर्फ दो ही कंट्रोल मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। रियर पार विंडो के रियर सेंट्रल कंसोल में मिलते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आया कि चारों क्यों नहीं दिए, ड्राइवर को ये अधिकार क्यों नहीं दिया कि वो पीछे वाले भी यहीं से उतार सके, वो वहीं से कर लेगा ना ड्राइवर की रीच में। नहीं नहीं रीच में यहाँ ये ठीक है, वो थोड़ा अलग सा हो गया मिरर्स। ओहे मैं एक चीज़ भूल गया यार, मिरर्स यहाँ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, वहाँ मैं मिरर्स दिखाऊंगा, ये चीज़ मैं भूल गया, ये कैसी बात है। ये भाई जब ये देखोगे ना तो ये देखो दिख रही है, ये ऐसे एडजस्ट होंगे मिरर्स, ये दिल खुश कर दिया इसने ना। तो ये नोब है यहाँ पे, यहाँ भाई इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो आप। अब ये कुछ एक चीज़ें जहाँ मेरे को ये बोला नो कमेंट्स। अब एक अच्छी चीज़ और कि यहाँ आपको फॉरवर्ड एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा जो आपको उस वेरियंट के अंदर मिल रहा है, तो वो एक प्लस है उसकी तरफ। लेकिन एक प्लस में बड़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ आइडियल स्टार्ट स्टॉप भी मिल रहा है, और ये आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी मिल रहे हैं, इको और स्पोर्ट्स। स्टेयरिंग जब देखोगे तो डी कट स्टेयरिंग है यहाँ पे, चाबी कहाँ चली गई, तो ये की रही, डी कट स्टेयरिंग आपको मिलेगा। स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, स्टेयरिंग की जो एडजस्टमेंट है टिल्ट एडजस्टमेंट है जो उधर की तरफ आपको मिल रही थी, तो सेम एडजस्टमेंट है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जब आप देखोगे तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा, साइज़ इसका अच्छा खासा है। हालांकि स्पीड जो है वो डिजिटली नहीं, एनालॉग के अंदर आपको शो करेगा, वहाँ डिजिटली शो कर रहा था, लेकिन पर्सनली मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा उसके कंपैरिजन में। क्यों वो तेरे बेहतर लगने से क्या होता है? मेरे मुझे यही बेहतर लगा यार, मुझे ये अच्छा लगा यार, वो डिजिटल आजकल डिजिटल का जमाना है। डिजिटल आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के कि ये अच्छा था या वो वाला अच्छा है। अगर जिसने वो वाला ध्यान से नहीं देखा ना तो एक बार पीछे जाके ना देख लेना एक बार किस तरह का लगेगा वो। अब एक बार इसका ना इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ मैं। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हो तो हर जगह प्लास्टिक मटेरियल मिलेगा, जो वहाँ पे भी आपको मिल रहा था। वहाँ पे अच्छा क्या था? म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम ना ये मिलेगा आपको छोटा सा, जो टच भी नहीं है, वहाँ टच था। यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह तो मिलेगी लेकिन सिर्फ ये छोटा सा मिलेगा, तो वो एक प्लस वहाँ पे है। उसके बाद फिट एंड फिनिश दोनों गाड़ियों की अच्छी है, उसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। यहाँ पे कुछ एक आपको ये इस म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं। AC यूनिट जब आप देखते हो तो AC यूनिट ये उसके कंपैरेटिवली बेहतर लगेगी, क्योंकि यहाँ आपको इस तरह का लगेगा ये जैसे ऑटो है लेकिन एक्चुअल में ये मैनुअली है। यहाँ पे कंप्लीट लाइट्स वगैरह ऑन होंगी, और यहाँ पे एक ए टाइप पोर्ट और एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, और यहाँ पे कुछ एक स्पेस दे दिया गया है, कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें AMT का ऑप्शन भी मिलता है, और फिर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दो कप होल्डर्स और कुछ स्पेस दे दिया गया है। अब एक बार ग्लो बॉक्स और देख लेते हैं इस गाड़ी का। सो ग्लो बॉक्स बताओ भूपेंद्र भाई, है ठीक है, अच्छा है, अच्छा ग्लो बॉक्स का स्पेस भी यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो इधर की तरफ आपको वैनिटी मिरर, और यहाँ पे ये टिकट होल्डर, और यहाँ पे IRVM जो है ये मैनुअली आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। सो ये आपने देख लिए इंटीरियर्स। प्राइजेज जो है वो मैंने आपको बता दिया, वो 6,90,000, ये 6,85,000। तो प्राइजेज आपको पता है, फीचर्स आपने देख लिए। अब बात करते हैं कि सेफ्टी में क्या कुछ मिलता है आपको, और इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है दोनों गाड़ियों की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो भाई वैसे तो भाई सबसे मेन चीज पे आ गए, वो है सेफ्टी। सबसे पहले सेफ्टी की बात, ऐसे कंपैरिजन किया, गर्मी चढ़ गई बंदे को ना। तो भाई सेफ्टी में जो है आपको सेम ड्यूल एयरबैग्स आपको मिलते हैं, ABS EBD, ठीक है। सेफ्टी में वैसे जो है इंडियन मजबूत ही होते हैं, तो ये मेक इन इंडिया है ना, तो मजबूत ही है। ओके, तो क्या इंडिया का कार्ड, वेरी बैड। ग्लोबल NCAP के अंदर 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है इसको, दो एयरबैग्स, ड्राइवर को ड्राइवर ABS ब्रेक्स विद EBD।
और यहाँ भी ये सब चीज़ें तो है, लेकिन इसका अभी कोई ग्लोबल एनकैप के अंदर क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो उसका वेट करेंगे, तो अभी उस बारे में तो कोई बात ही नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कोई एक आधा सेफ्टी फीचर एक्स्ट्रा बताएंगे, इसलिए मैंने एक रोक के रखा था, ब्रेक्स वे कंट्रोल मिलता है यहाँ पे, तो वो एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, अगर हाई स्पीड में आप ब्रेक लगाते हो ना तो कंट्रोल में रहेगी गाड़ी। समझ रहे हो भाई, दिख रहा है सही। तो अब आ जाते हैं इंजन पे। इंजन पे सो यहाँ पे आपको C3 के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन अगर चाहिए, जो कि ये अभी मेरे पास है, सो ये 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जो पावर जनरेट करता है 82 PS की और टॉर्क जनरेट करता है 115 न्यूटन मीटर का। और यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलाने में मतलब बहुत पसंद है आपको, पावरफुल इंजन पसंद है, तो यहाँ पे आप टर्बो का जो है वो एक इंजन ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। तो वहाँ पे आपको जो पावर जनरेट करता है सेम इंजन है, बट पावर जनरेट करता है 110 PS की और वहाँ पे टॉर्क जो मिलता है वो 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि भाई ज़बरदस्त है। 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो हाँ तो भर दो भाई। सो ये इसके अंदर वो टर्बो का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको नॉन टर्बो ही मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, तो ये नॉन टर्बो ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो मैं चला रहा हूँ, तो इसकी जो माइलेज है वो 19.8 किलोमीटर पर लीटर का ARAI फिगर है, बट हाँ अभी मैं जितने दिन से चला रहा हूँ मुझे लगभग 17, 18.5 की एवरेज ही ये दे पाई है, 19 या 19 प्लस मैं अभी तक गया नहीं हूँ। जितनी मैंने लगभग अभी ये गाड़ी 300-350 किलोमीटर चलाई है, इतने में मैं यहीं तक आया हूँ, तो ओरिजिनल जो है ये है। तो अब बात पंच की कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिलेगा, सेम दोनों तीन सिलेंडर है, सिलेंडर ये भी तीन सिलेंडर है, ये भी तीन सिलेंडर है। ये आउटपुट जनरेट करता है 88 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 150 न्यूटन मीटर्स का, जो सेम ये प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन एक डिफरेंस वहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो टॉर्क आपको मिलेगा ना 115 न्यूटन मीटर का, वो 3250 RPM से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो वहाँ पे मिलेगा 3750 पे मिलेगा, यहाँ पे 3700 RPM के बाद जो है मैक्सिमम आपको टॉर्क मिलेगा। AMT का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और माइलेज की बात करें तो यहाँ पे ARI जो फिगर्स है 20.09 KMPL की आपको यहाँ पे माइलेज इसकी कंपनी क्लेम करती है। ये ARAI फिगर्स हैं बट ये ओरिजिनल फिगर्स नहीं है। बाकी जब आप ड्राइव करोगे तो उसके हिसाब से, ये ड्राइविंग सिचुएशन के हिसाब से वैरी करता है, कोई ज़्यादा भी लेगा कोई कम भी लेगा, तो उसके हिसाब से वैरी करेगा। और वारंटी की अगर बात करूँ तो अभी जैसे पंच के अंदर BS6 कंप्लाइंट इंजन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हो 5 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कुछ भी नहीं कहूँगा मैं तो। चलो अपनी वारंटी बता दो फिर। तो यहाँ पे जो वारंटी मिलती है भाई वो 2 ईयर्स और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, और पता नहीं क्यों इतना कम है। बाकी एक नया ब्रांड था तो मुझे लगता है कि कोई नए ब्रांड को ना ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी देनी चाहिए, थोड़ा अपने जो बायर्स हैं उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए, तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही है ज़्यादा वारंटी अगर दे देते तो। बट यहाँ 2 साल और 40,000 किलोमीटर मिलती है, बाकी फर्दर आप एक्सटेंड करा सकते हो, तो वो भी अभी कोई मतलब पता नहीं है कि कितनी एक्सटेंड करा सकते हो। तो अभी यहाँ पे दोनों गाड़ियों को हमने कंपैरिजन किया, प्राइस आपको पता है दोनों का लगभग सेम प्राइस है। इस प्राइस में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है वो हमने आपको दिखाया, और यहाँ पे क्या मिल रहा है वो आपको दिखाया। सबका यूजेज अलग अलग हो सकता है, किसी का म्यूज़िक सिस्टम से ज़्यादा प्यार हो तो उसको यहाँ पे बड़ा म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है, किसी को सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है तो उसको यहाँ पे मिल रहा है। तो हर एक यूजेज के हिसाब से, भूपेंद्र भाई का अलग यूजेज है, मेरा अलग यूजेज है और पंकज भाई का अलग यूजेज है, तो सबकी पंकज भाई कैमरे के पीछे से ऐसे कर रहे हैं, वाह बेटा वाह। पंकज भाई पूछ रहे हैं ठीक हो। बाकी पंकज भाई का गाना भी है ना उस पे चैनल पे, कौन सा चैनल है पंकज भाई? HR म्यूजिक पे भाई का गाना का नाम है, गाने का नाम भी बता भाई। हाँ नीला दमन भाई का, हरियाणवी सिंगर है भाई, आज हमारा कैमरा पकड़ के खड़े हैं बड़ी देर से धूप में, तो भाई का जो गाना है ना भाई वो भी देख लो ठीक है। हाँ जी म्यूजिक कंपनी पे नीला दमन भाई का गाना है, वो भी देख लो ठीक है। तो अभी इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, नीला दामन पे आ गए हम। तो यहाँ पे कुछ एक फीचर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं, कुछ एक यहाँ पे बेहतर मिलता है, तो आप जिस तरह का यूजेस आपका है, आप जिस तरह की गाड़ी चाह रही है उस हिसाब से आप ऑप्ट कर सकते हैं। प्राइस रेंज दोनों की सेम है, लेंथ वाइज ये इससे थोड़ी ज़्यादा है, स्पेस अंदर आपने देख लिया, तो हर एक के यूजेस के हिसाब से आप गाड़ी को ऑप्ट कर सकते हैं। आप मतलब जैसी शेप आपको पसंद है उस हिसाब से भी हो सकता है आपको सिट्रोइन ज़्यादा पसंद आ जाए। तो चलाने में जो है वो गाड़ियाँ दोनों के हमारे टेस्ट ड्राइव रिव्यूज़ जो है वो चैनल पे हैं, वो भी आप देख सकते हो, तो वो हम डाल चुके हैं। वो क्राउंड जो है वो आप देख सकते हो,
और भी जो आपको देखना है कुछ फीचर्स किसी और वेरिएंट के, तो वो भी डले हुए हैं। पंच के तो सभी हमने वेरिएंट्स डाले हुए हैं लगभग, बिल्कुल तो सब डले हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। सो फिनिश करें फिर, ठीक है भाई। तो ये आपको कैसा लगा कंपैरिजन वो आप बता सकते हो कमेंट में लिख के। ये जरूर बताना कि आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी अभी इन दोनों गाड़ियों में से, पंच अकम्प्लिश्ड एडवेंचर, पंच एडवेंचर और सिट्रोएन C3 फील वेरिएंट, इन दोनों के अंदर आपको ज़्यादा सही कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइए। सो अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय हिंद।